नमस्कार, बोंगोस एट योर फिंगर टिप्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कल हमने दो और तीन बीट हमने यहां बजाई थी और बाकी सारी बीट हमने राइट हैंड पर यानी कि बड़े हैंड पर बजाई थी। आज हम दो और चार बीट जो है वो इस पर बजाएंगे और बाकी सारी बीट जो है इस तरफ बजेंगी बड़े हैंड पर। बार वही आठ मात्रा का रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 1, तो बार यही रहेगा। तो सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है, दो और चार मात्रा को यहां बजाना है, बाकी सारी मात्राएं बाकी सारी बीट्स राइट हैंड साइड पर बजेंगी। और इसके बाद मैं आज का सॉन्ग उसके बारे में बात करूंगा, चर्चा करूंगा। तो पहले हम बहुत स्लो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, ठीक। तो आज का जो गाना है वो अनजाना फिल्म से है और उसमें तबला नाद वगैरह बजे हैं, पर मैं वो बोल बोंगोस पे निकाल रहा हूं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि पीछे करके मेरी 30-40 जो एक्सरसाइजेस वेट के ऊपर हुई है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक।
तो मैंने आपको एक वन की शिफ्टिंग सिखाई है, इसमें क्या बदलाव करना है, इसमें बदलाव ये करना है आपको कि चार और पांच पर वेट बजेगा, एक चार पांच पर वेट रहेगा और सातवीं मात्रा इस तरफ शिफ्ट होगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ पर वेट रहेगा और सातवीं मात्रा इधर रहेगी। अब इसमें एक बदलाव और है इस सॉन्ग के अंदर, इस सॉन्ग के अंदर बाकी सारी बीट्स जो है वो बिल्कुल नहीं बजी है, सिर्फ वन वन फोर और सेवन बजी है, वन फोर फाइव और सेवन, चार बीट बजी है और चार बीट्स जो है वो मिसिंग है। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एट नहीं बजेगी, सेवन तक ही रहेगा। तो जब ये थोड़ा सा मैं तेज बजाऊंगा तो इसका साउंड ऐसे हो जाएगा, देखिए एक चार पांच और सात बजे हैं, बाकी सारी बीट नहीं बजी, ठीक, यानी कि दो, अगर ये एक दो, दो नहीं बजेगी, तीन नहीं बजेगी, चार बजेगी, पांच बजेगी, छह नहीं बजेगी, सात बजेगी और आठ नहीं बजेगी, यानी कि फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ और सेवंथ बीट बजेंगे, ठीक। इसकी आप प्रैक्टिस करिए, ठीक। और जो दूसरी बीट गाने के जो शुरुआत में जो गाना है उसके शुरू में ये बीट बजी है और अंतरे के अंदर एक दो चार पांच एक के साथ दूसरी बीट भी शुरू हो गई है, एक दो चार पांच और सात, बाकी बीट नहीं बजी है, ठीक। ये गाना है फिल्म अनजाना से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, ठीक, गीत शायद आनंद बख्शी ने लिखा है, मैंने देखा नहीं तो प्लीज एक्सक्यूज मी अगर किसी और ने लिखा हो तो गाना है और आपने इस बीट को तैयार करना है क्योंकि कल आने वाला जो गाना होगा वो भी इसी बीट के साथ बजा है पर उसमें ढोलक है साथ में, ढोलक या नाल या दूसरे इंस्ट्रूमेंट और बजे हैं सेम बीट, लेकिन इस बीट को तैयार कर लीजिए। वन एक तो ये है, दूसरी एक दो चार पांच और सातवीं बीट बजी, ठीक है। रिम झिम के गीत सावन गाए हाय भीगी भीगी रातों में, झिम झिम के गीत सावन हाय हाय भीगी भीगी रातों में, होठों पे रात की आए हाय तेरा मेरा, तो ये वेट बजेगी, ये वाली
मन के साथ गगन झुमके गीत सावन गाए हाय रातों जब अंतरे में बजेंगे थोड़ा मुझे पहले अंतरे में बजाने में थोड़ा सा मैं अटका था। उसका कारण ये था कि गाना और बजाना और जो 50 या 60 लोगों ने काम किया वो एक आदमी जब काम करेगा तो बट नेचुरल है कि उसमें थोड़ा वो ऊंच नीच हो जाता है। चलिए एक और है और क्या है वो 1, 2 और 4, 5 1, 4, 1, 2, 4, 5 और 7 बीट बजी है बाकी बीट नहीं बजी है। बड़ी लंबी जी की बातें बड़ी छोटी ये बड़ी रात जी कहना क्या है सुनना क्या है कहने सुनने की क्या है बात जी बिन कहे आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।